हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिधि सिंह में। आज मैं लौकी का हलवा बना रही हूँ। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है। तो आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हलवा बनाने के लिए हम ले रहे हैं लौकी। एक लौकी हमने लिया है जो कि बहुत नरम था और छोटा भी था, तो हमने बीच का पार्ट निकाला नहीं है। आपका अगर लौकी थोड़ा हार्ड है तो बीच का पार्ट निकाल सकते हैं, छिलका निकाल के और बीच का पार्ट निकाल दें, बस बीच वाला ग्रेट कर लें। लेकिन मैंने पूरा ग्रेट किया है क्योंकि मेरा लौकी बहुत सॉफ्ट था। लौकी को हमने धो के छील के ग्रेट कर लिया है। आधा गिलास दूध ले रही हूँ, ये फुल मलाई वाला दूध है। आधा कटोरी चीनी ले रहे हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को हमने दो टुकड़ों में कर लिया है, काजू बादाम और किशमिश थोड़े से, जो कि मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो और छोटा छोटा कर सकते हैं। तीन इलायची का पाउडर हमने लिया है और 3 से 4 चम्मच घी। आप चाहें घी थोड़ा ज़्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि घी मुझे थोड़ा कम खाना है इसलिए मैं घी बहुत कम ले रही हूँ। इसमें घी अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैस को हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई को रख दिए हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, अब इसमें घी डाल देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप घी थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं घी थोड़ा कम यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे घी थोड़ा कम खाना है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे अच्छी तरह। इसे लगातार चलाते रहें वरना ड्राई फ्रूट्स जल जाएगा, और ये लगभग आधे मिनट में भुन जाएगा बहुत अच्छी तरह से। और गैस का फ्लेम लो रखें वरना जल जाएगा, इसे लगातार चलाते रहें। ड्राई फ्रूट्स मेरा भुन गया है, मैं इसमें इसको निकाल के अलग प्लेट में रख लेती हूँ। अब उसी पैन में फिर हम ग्रेट किए हुए लौकी को भून लेंगे। लौकी को अच्छी तरह लगातार चलाते हुए भून लेंगे। लौकी को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम ढक कर छोड़ देंगे जिससे लौकी अच्छी तरह पक जाए। ये लगभग इससे 2 मिनट हो गया है। ये देखिए लौकी में जो पानी निकला था, पानी भी बहुत अच्छी तरह सूख गया है। अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। दूध को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दूध सुखाने तक हम पका लेंगे। आप चाहें तो हाई फ्लेम कर सकते हैं लेकिन मैंने मीडियम टू हाई किया है। ये देखिए मेरा दूध बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी को डाल के अच्छी तरह ऐड कर देंगे और फिर से थोड़ा पानी निकलेगा, मतलब चीनी पिघलेगा तो थोड़ा पानी टाइप हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे फिर से सूखने लगा है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इसमें हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रख लिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए, और सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं। अब इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। हमने 3 इलायची पाउडर लिया था। इलायची पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। लौकी का हलवा अब रेडी है। अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।